पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः औषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामशान्तिरेधि। यतो यतसमीहसे ततो नोमभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। कलोनस कल्याण हो। कलोनस, तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा सुन महान यवन राज अलक्षेंद्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। महान अलक्षेंद्र, तुम्हारे साथ हुए वार्तालाप को सुनना चाहेंगे, इसलिए तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारे उपदेश को सुनने के लिए तैयार हूँ।
पहले ये धरा अन्न कणों से पूर्ण थी, ठीक वैसे ही जैसे आज ये धरा धूल कणों से परिपूर्ण है। निर्जर, नीर, क्षीर, मधु, मदिरा व तेल के साथ प्रवाहित होता था, पर तृष्णा व वैभव विलास ने मानव को उन्मत्त व अहंकारी बना दिया और तब ईश्वर ने ये सब नष्ट कर दिया और मानव को कठोर जीवन यापन करने का दंड दिया। जब नैतिक सुदृढ़ता व आचार में नियंत्रण का पुनरागमन हुआ तब श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वर्तमान में मानव तृष्णा और विषय के पीछे भाग रहा है, इसलिए डर का कारण है, वरना मानव की ये दशा नहीं होती। अलेक्जेंद्र ने भेजा है। उपदेश सुनने भेजा है। तो छोड़ दे ये सब, उतार कर रख दे तेरा वेश और निर्वस्त्र होकर लेट जा इस पाषाण शिला पर। जड़ हो जा, चेतना भीतर जागेगी। क्यों, लज्जा आ रही है ना? जिनके मन में विषय जागृत होता है, जीवित होता है, उन्हें ही जगत में लैंगिकता का बोध रहता है। सत्य जानना चाहता है तो भूल जा विषय वासना तृष्णा, सब भूल जा। मेरा उपदेश सुनना है तो आ, लेट जा इस पाषाण शिला पर और मेरी तरह बंधनों से मुक्त हो जा। क्यों, सत्य को नहीं जानना चाहता, स्वयं को आवरणों से मुक्त नहीं करना चाहता? कल्याण, तुम उद्धत हो रहे हो, उन्हीं दुर्गुणों के वश में हो रहे हो जिनकी तुम भर्त्सना करते हो। ज्ञान की चर्चा करने अलेक्जेंद्र ने भेजा है। अनेकों झूठ को मन में छिपाए ये और अलेक्जेंद्र सत्य जानना चाहते हैं। वस्त्रों से, वचनों से विषय को, वासना को छुपाओगे, सत्य तो नहीं छिपेगा, वो तो सामने आएगा। ये उदंड है। यवन योद्धा, तुम मेरे साथ आओ, सत्य की उपासना कर, सुख की उपासना छोड़, तो ही सत्य को पाएगा। मार्ग वही श्रेष्ठ है जो मन को सुख व दुख से मुक्त कर सके। क्या श्रम दुख है? नहीं, श्रम दुख से भिन्न है। श्रम व्यक्ति का साथी है, साथी है, उसी के द्वारा वह बुद्धि का विकास कर सकता है। बुद्धि का विकास ही बुद्धि में शुचिता उत्पन्न कर सकता है, और शुद्ध बुद्धि समस्त कलहों का अंत ला सकती है। शुद्ध बुद्धि ही लोगों को मार्ग दिखा सकती है। आप यहां वनों में क्यों रहते हैं? श्रेष्ठ आवास वही है जिसे कम से कम मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। देवपुत्र लक्ष्मीन्द्र चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, वह आप जैसे तपस्वी उनके साथ रहें। यदि अलक्षेंद्र देवपुत्र है तो मैं भी देवपुत्र हूँ। पर आपको महान अलक्षेंद्र से मिलने में क्या आपत्ति है? यदि अलक्षेंद्र को कोई आपत्ति न हो तो वे यहाँ आकर रह सकते हैं। आप अलक्षेंद्र को इनकार कर रहे हैं? यवन योद्धा, अलक्षेंद्र से कहना
अलक्षेंद्र से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मेरे पास जो भी कुछ है उसे मैं संतुष्ट हूं। मैं देख रहा हूं अलक्षेंद्र और उसके साथी पृथ्वी और समुद्र पर व्यर्थ ही घूम रहे हैं। अलक्षेंद्र के अधिकार की किसी वस्तु की भी मुझे अभिलाषा नहीं है और ना मुझे डर है अलक्षेंद्र मुझसे कुछ छीन सकता है। मैं जानता हूं जब तक जीवित रहूंगा यह भारत की भूमि मेरा पालन करेगी। ऋतु आने पर वृक्ष फल देंगे ही और जब मृत्यु आएगी तब इस अयोग्य साथी को छोड़कर चला जाऊंगा। जनीस, महान योद्धा अलक्षेंद्र तुमसे मिलने आए हैं, उनका स्वागत करो। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं डायजनीस? विजेता अलक्षेंद्र तुमसे मिलने आए हैं, उनका सम्मान करो। अलक्षेंद्र की अवहेलना करने वालों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है डायजनीस। डायजनीस, अलेक्जेंडर अपने अधिकार की हर वस्तु तुम्हारे सामने रख देगा, पर तुम अलेक्जेंडर का स्वागत करो। वचन देते हो? वचन देता हूं। तो मेरे शरीर पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों के मार्ग से हट जाओ अलक्षेंद्र। क्या हुआ ना सेक्रेटरी? तपस्वी सभी जहां एक जैसे हुआ करते हैं, कहीं वो डायजनीस है, कहीं वो दांड्यायन है। Welcome, Amphis. Kalyan Rishi. Calonus, the ascetic. Rishi Dandyayan ke hi shishy hain. Kisi prakar main inhe yahan le aaya. Ascetic Calonus is the disciple of ascetic Dandamis. I have brought him here somehow. Theek kehte the Rishi Dandyayan. Vyarthi ghoom raha hai tu dharti par. भटक गया है तू। एसेटिक डांडामिस वाज राइट। यू आर वॉन्डरिंग ऑन द अर्थ इन वेन। यू विल बी नोवेयर। कैलोनस, आई एम अ वॉरियर ऑन माय वे टू कॉन्कर द वर्ल्ड। मैं एक योद्धा हूं और विश्व विजय के लिए निकला हूं। विश्व विजय? जानता है तू कहां है? तू अंत तेरा निकट है। अलक्षेंद्र, देख तेरे साम्राज्य की स्थिति और तू भी देख क्या हुआ। दूसरा छोर ऊपर हो गया और अब फिर वही हुआ। देख तो सकता है तू पर सोच नहीं सकता। एक छोर पर दबाव डालता हूं तो दूसरा छोर सिर उठाता है। एक छोर को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं तो दूसरा छोर अनियंत्रित हो जाता है। यही होगी तेरे साम्राज्य की स्थिति। यही होगा तेरे साम्राज्य में अलक्षेंद्र। इसे नियंत्रित करने के लिए तो बीच में खड़ा रहना पड़ेगा। पर कहां है तू? किस भ्रम में है तू?
संभाल पाएगा इसे तू? निर्जीव चर्म का ये स्वभाव है तो सजीव सदेह क्या तेरा नियंत्रण स्वीकार करेंगे? विश्व विजय की कामना से निकला है तू, पर स्वयं से पराजित हो रहा है एक इच्छा से। विजय की इच्छा से तो पराजित है तू, और विश्व विजेता होने के लिए निकला है। कामना पर विजय पा, उसी से तेरी जय होगी। कलंस, कल्याण हो तेरा अलक्षेंद्र। सभा में उपस्थित किया जाए। महान योद्धा अलक्षेंद्र का दूत आपको प्रणाम करता है पोरस। आयुष्मान भव। वीर अलक्षेंद्र ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप उनकी सेवा में उपस्थित हो एवं वीर अलक्षेंद्र से भेंट करने के लिए आपकी ही सीमा पर उपस्थित हो। दूत अलक्षेंद्र से कहना कि पर्वतेश्वर अपनी सीमा पर अलक्षेंद्र का स्वागत करने निश्चय ही आएगा, पर अलक्षेंद्र अपने हथियार अवश्य लेते आए ताकि उन्हें यह कहने का अवसर न मिले कि भारत में उनका वीरोचित स्वागत नहीं हुआ। तुम जा सकते हो दूत। सेनापति व्याघ्रपत, सेना को युद्ध के लिए सज्ज होने का आदेश दिया जाए। जो आज्ञा दे। आप सभी लोग एक पहर पश्चात मंत्रणा कक्ष में उपस्थित हों। जो आज्ञा दे। इंद्रदत्त, मुझसे कोई चूक तो नहीं हो गई इंद्रदत्त? चूक हो चुकी है केकेराज। उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं संतु पृथ्वी प्रसूताः दीर्घन आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुष्यं बलिहित श्याम
यो नो द्वेषत पृथ्वी सह पृतन्यागयो भिदासान मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरंधय पूर्वकृत वरी उपस्थास्ते अनमीवा अयश्मा अस्मभ्यं संतु पृथ्वी प्रसूताः दीर्घन आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुष्यं बलिवितस्याम यो नो द्वेषत पृथ्वी सह पृतन्यागयो भिदासान मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरंधय पूर्वकृत वरी उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं संतु पृथ्वी प्रसूताः दीर्घन आयुः प्रतिबुध्यमा।